फिटनेस इंडस्ट्री में एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है एप्पल साइडर विनेगर। आप लोगों ने भी ये नाम जरूर सुना होगा। सो फ्रेंड्स, जब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात की जाती है तो उसके बारे में बहुत सारी बातें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वे में सुनने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, एप्पल साइडर विनेगर के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं, मिथ्स हैं और जो भी क्वेरीज मेरे पास इनसे रिलेटेड आती हैं, वो सारी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड आई रियली होप कि इस वीडियो के खत्म होते होते एप्पल साइडर विनेगर से जुड़े हुए सारे डाउट आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा। एप्पल साइडर विनेगर से जुड़ी हुई सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, क्या एप्पल साइडर विनेगर पीने से वेट लॉस होता है, वजन कम होता है? सो फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एप्पल साइडर विनेगर पियोगे और आपका जो है एक हफ्ते में 5 किलो 6 किलो वजन कम हो जाएगा, सॉरी टू से ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। एप्पल साइडर विनेगर हो या चाहे कोई और भी आपका प्रोडक्ट हो जो आपका वेट लॉस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी चूर्ण हो सकता है या कोई और ड्रिंक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इन सारी चीज़ों के अदर हेल्थ बेनिफिट्स तो होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इनको सिर्फ पी के वजन कम हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। मैंने भी एप्पल साइडर विनेगर पिया हुआ है, इसके और बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी जो एपेटाइट है उसको कंट्रोल करके रखता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो इन सारी वजहों की वजह से जो आपका डाइजेशन है वो अच्छा रहता है, आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी रहती है, जिसकी वजह से आपका वजन कम होता है। सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर पीने से वजन कम ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या एप्पल साइडर विनेगर पीने से दांत खराब हो जाते हैं, ये हमारे टूथ एनामल को इफेक्ट करता है? सो फ्रेंड्स, एप्पल साइडर विनेगर जो है एक एसिडिक लिक्विड है, ठीक है, और कोई भी चीज़ जो एसिडिक होती है वो अगर आप डायरेक्ट पियोगे तो आपके टूथ एनामल को इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो इसको आपको सही तरीके से पीना है। एप्पल साइडर विनेगर पीने का सही तरीका है कि आप 1 या 2 स्पून एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, इसको आप प्लेन वाटर में मिलाइए, और आप इसके लिए गुनगुना पानी अगर आप लोगे तो वो बेटर होगा उसमें मिला के, और फिर आप स्ट्रॉ की हेल्प से पीजिए। अगर आप इसको रेगुलर पीते हो, यानी कि आप इसको अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो, तो ये आपके टूथ के लिए डेफिनेटली ख़राब होगा। और अगर आप इसको डायरेक्ट लेते हो, यानी कि आप इसको पानी में ऐड ना करके डायरेक्ट अगर आप इसको पीते हो, तब तो डेफिनेटली आपके टूथ एनामल को ख़राब करेगा ही करेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि हाँ, ये आपके टूथ एनामल पर इफेक्ट करता है, लेकिन सिर्फ तब करता है जब आप इसको गलत तरीके से पीते हो। तो आप इसको सही तरीके से पीजिए, पानी में मिला के पीजिए और स्ट्रॉ से पीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट इसका आपको नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या एप्पल साइडर विनेगर पीने से जो हमारी बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या बोन्स को ये ख़राब कर देता है? सो फ्रेंड्स, अगेन यही चीज़ आती है, एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करोगे, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रेगुलर अगर आप पियोगे, तो डेफिनेटली आपकी बोन्स को भी हार्म कर सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एप्पल साइडर विनेगर 1 दिन में मैक्सिमम से 2 बार आपको पीना चाहिए। आप इसको मॉर्निंग में ले सकते हो, जिस वक्त हम उठ के जैसे सुबह उठते ही हम गुनगुना पानी पीते हैं उसमें आप एप्पल साइडर विनेगर डाल के आप ले सकते हो, या फिर आप इसको खाना खाने से आधा घंटा 1.5 घंटा पहले भी आप इसको ले सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर आप 4-5 बार दिन भर में इसको पियोगे और रेगुलर मतलब कई महीने या सालों तक अगर आप पियोगे, तो ये आपकी बोन हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा एप्पल साइडर विनेगर बेस्ट है, कौन सा एप्पल साइडर विनेगर हमें पीना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर बेस्ट की बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर बेस्ट एप्पल साइडर विनेगर की बात की जाए तो अगर आप फिल्टर्ड या डबल फिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर लेते हो तो उससे बेटर होगा कि आप मदर स्टेन के साथ जो एप्पल साइडर विनेगर आता है वो आप किसी भी ब्रांड का एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो जो आपको सूट करे। नेक्स्ट आता है, क्या प्रेग्नेंट वुमेन या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए या वो ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो तो आपको एप्पल साइडर विनेगर अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, इसमें किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसमें बहुत लोग पूछते हैं कि अगर आपको जो है डाइजेशन का प्रॉब्लम है या आपको गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो? तो फ्रेंड्स, यस, अगर आपको गैस है, एसिडिटी है, कुछ भी इस तरह का अगर पेट का प्रॉब्लम है तो भी आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होती है, जो आपके पेट में जो एसिड्स हैं उनको कंट्रोल करके रखती है, पेट को क्लियर करने का काम करती है, जो आपके बाउल मूवमेंट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, एप्पल साइडर विनेगर से जुड़ा हुआ अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।